नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर भले ही बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर बोल दिया हो, लेकिन अब बीजेपी जातीय जनगणना को लेकर के कई तरह की आशंकाएं जता रही है। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना राज्य सरकार के खर्चे पे होगा, इसका फैसला बीते दिन सर्वदलीय बैठक में ले लिया गया है। वहीं इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के कई तरह की आशंका जताई जा रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट किया है। संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट करते हुए ये आशंका जताई है कि बिहार में जातीय जनगणना की वजह से कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए नागरिकता हासिल ना कर दे। इसके साथ ही कई तरह की बातों का जिक्र भी संजय जायसवाल ने इस फेसबुक पोस्ट में लिखा है। हम आपको सुनाते हैं कि संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। दरअसल संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि हम केंद्र के बाबा साहब अंबेडकर के संविधान प्रदत्त सातवें शेड्यूल के अधिकारों में किसी तरह की छेड़खानी नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि यह सर्वे या गणना ओबीसी कमीशन या अन्य तरह की होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार अपने जनगणना के मुताबिक गरीबों के लिए योजनाएं तैयार करती है। नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात करें तो 60 से ज़्यादा योजनाएं गरीबों के हित में ही बनाए गए हैं। हम कभी उससे जाति आधारित विभेद नहीं करते। उन्होंने कहा है, मैंने अपनी बातों को रखते हुए मुख्यमंत्री के सामने तीन आशंकाएं प्रकट की, जिनका निदान गणना करने वाले कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। बता दें कि बिहार में होने वाले जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी की कई आशंकाएं हैं। एक आशंका ये है कि जातीय एवं उपजातीय गणना की वजह से किसी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का नाम नहीं जुड़ जाए और बाद में वह इसी आधार पर नागरिकता को आधार नहीं बनाए। संजय जायसवाल ने दूसरी आशंका में बताया है कि सीमांचल में मुस्लिम समाज में यह बहुतायत देखा जाता है कि अगरे शेख समाज के लोग शेखखोरा अथवा कुलड़िया बनकर पिछड़ों की हकमारी करने का काम करते हैं। यह भी गणना करने वाले को देखना होगा कि मुस्लिम में जो अग्रे हैं वह इस गणना के आड़ में पिछड़े अथवा अति पिछड़े नहीं बन जाए। ऐसे हजारों उदाहरण सीमांचल में मौजूद हैं, जिसके कारण बिहार के सभी पिछड़ों को हकमारी होती है। तीसरी, भारत में सरकार तौर पर 3,747 जातियां हैं और केंद्र ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में बताया है कि उनके 2011 के सर्वे में 4:30 लाख जातियों का विवरण जनता ने दिया है। यह बिहार में भी नहीं हो, इसके लिए सभी तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए, तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।